दिन के लगभग 10 बज चुके हैं और मैं यहाँ पर हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ के संत कुटीर में हूँ। इतना भयंकर कोहरा है पिछले लगभग 10 दिनों से कि यहाँ पर 10 फीट दूर दिखाई नहीं देता है। आप मेरे पीछे पेड़ों को भी देखते हैं तो उनकी सारी पत्तियाँ झड़ चुकी हैं, कुछ निशानियाँ बाकी रह गई हैं पत्तों की। और ये जो पीछे यद्यपि रुद्राक्ष का पेड़ है, इसके ऊपर ज़्यादा ठंड का असर नहीं हुआ है। और मैंने देखा यहाँ सुबह उठ कर के कि पीछे एक मधुमक्खी का छत्ता है, आप देख रहे हैं उधर। ये संत कुटीर क्योंकि सरदार पटेल और महात्मा गांधी का जो साबरमती आश्रम है उसका, और सरदार पटेल के कर्मसद में जो उनका घर बनाया हुआ है उसकी ये अनुकृति है, उसी मॉडल को ध्यान में रख कर के हमने उसकी रिप्लिका ये बनाई है। पीछे वो जो मधुमक्खियां हैं वो जब यहाँ धुंध में उड़ती हैं तो मैंने देखा सैकड़ों मधुमक्खियां उस ठंड में मर जाती हैं। कहने का मेरा मतलब, पूरी दुनिया में लगभग तापमान 30 डिग्री कहीं तो 35 डिग्री माइनस में चला गया, और हिंदुस्तान में भी पहली बार सबसे ज़्यादा ठंड हो रही है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में लगभग 50 वर्षों के बाद इतनी ठंड देखने को मिल रही है। और इस ठंड में किसी को सर्दी जुकाम होना तो साधारण बात है, यदि पूरी दुनिया में देखा जाए तो हजारों लोगों की मौत हो चुकी है ठंड के कारण से, और जनजीवन ठप सा हो जाता है, यातायात ठप सा हो जाता है, ट्रेनें लेट हो जाती हैं, प्लेनों को भी लैंडिंग और टेक ऑफ में दिक्कत होती है, और यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में तो एयरपोर्ट्स के ऊपर कई कई फिट बर्फ जम जाती है। खैर, हिंदुस्तान में भी कोई हालात कम ख़राब नहीं है। यहाँ आप संत कुटीर में ही देख रहे हैं कि थोड़ा सा दूर का आप व्यू लेते हैं तो जैसे ही थोड़ा सा हम दूर आए तो पीछे के ये जो मकान हैं वो धुंधले दिखाई देने लगते हैं। चारों तरफ कोहरा का कोहराम, ठंड का कोहराम है। और आपको मैं इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ये आलम दिखा रहा हूँ कि कमोबेश जो हालात यहाँ हरिद्वार में हैं वही हालात पूरे हिंदुस्तान में, और यद्यपि थोड़ा पश्चिम भारत और दक्षिण भारत में इतना ज़्यादा ठंड का प्रकोप नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी शायद पिछले 40-50 वर्षों की सबसे ज़्यादा ठंड हो रही है। यहाँ पीछे देख रहे हैं, इधर आप देखेंगे तो माने आपको ये कुटिया जो यहाँ पर बनी हुई है वो थोड़ी ओझल ओझल सी दिखाई देती है, आपको संत कुटीर का सामने का गेट नहीं दिखाई दे रहा है जो लगभग यहाँ से 50 फीट दूर है। और इस सब के बीच में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो मैं यहाँ तक इसलिए लेकर के आए कि यहाँ पर आप एक लता देख रहे हैं, इसका नाम है गिलोय। इसकी एक डंडी, इतनी सी डंडी कहीं पर भी लगा दो तो वह लता फिर जो है करूप ले लेती है, इसको कहीं बीज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतनी सी कोई भी एक डंडी ली और उस डंडी को तोड़ करके ज़मीन पर गाड़ दो और अपने आप फिर ये लता का रूप ले लेती है। ये लता ऐसे चलती है, अभी तो इसके भी सारे पत्ते झड़ गए हैं, इसके तो बहुत गुण हैं, मैं इसके बारे में पूरा आपको विस्तार से बताऊंगा। इसका काढ़ा पीने से अपने आप को आप ठंड से बचा सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में गिलोय होती है और इस गिलोय की महिमा आपको मैं बताऊंगा। वैसे वहाँ से एक पौधा बोया हुआ था, दूसरा यहाँ भी बो दिया गया है, तो ये दो पौधे हो गए इस गिलोय के और अब ये फैलती जा रही है। मैं रोज़ जब भी संत कुटीर में होता हूँ तो गिलोय का काढ़ा पीता हूँ। और आपको मैं इस गिलोय के पूरे गुण बताऊं, उससे पहले तुलसी, अभी यद्यपि हमारे यहाँ पर तुलसी की कई प्रजातियाँ हैं लेकिन इसके भी आधे पत्ते झड़ चुके हैं ठंड के प्रभाव के कारण से। हमने यहाँ तुलसी का वन ही लगाया हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं संत कुटीर में ये सारा तुलसी का ही वन है। पिछली बार तो मैंने देखा था कि थोड़ा सा लंबे समय तक ठंड का प्रभाव रहने के बाद तो ये तुलसी के भी सारे पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन अभी सलामत हैं। तो गिलोय और तुलसी ये ठंड के लिए सबसे बेहतर चीज़ है। यद्यपि हम तो ऐसे ही रहते हैं जैसे आप अभी मुझे देख रहे हैं, जो है कोई अंदर कपड़ा नहीं पहनते, स्वेटर नहीं पहनते, और हाथों में कभी दस्ताने नहीं पहने मैंने आज तक ज़िंदगी में, और पैरों में कभी जुराब नहीं पहनी। इसी तरह से मैं खड़ाओं में चलता हूँ और जो है
इसका राज आपको बताता हूं कि आप किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करें। तो सबसे पहले मैं आपको संत कुटीर की रसोई में ले चलता हूं। सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा का जूस पीना, उससे आपके बाल अच्छे रहते हैं, उससे आपकी स्किन अच्छी रहती है, उससे आपका आयुष्य बढ़ता है, जोड़ों में दर्द नहीं होता है। माने एलोवेरा स्किन के लिए, पेट के लिए, डाइजेशन के लिए और अर्थराइटिस के लिए, माताओं बहनों को जो मासिक धर्म की अनियमितता है उसके लिए और लंबी आयु के लिए। घृत कुमारी रामबाण आंवला बालों के लिए, आँखों के लिए, स्किन के लिए भी अच्छा है, आयु को बढ़ाने के लिए भी अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, पाचन तंत्र के लिए तो आंवला एलोवेरा दोनों ही रामबाण है। तो ये सुबह उठ करके पीना। लेकिन एक खास बात आपको मैं बताना चाहता हूँ गिलोय के बारे में। गिलोय का इस्तेमाल मैंने पहले स्वयं किया, फिर लाखों करोड़ों लोगों को इसके बारे में बताया। डेंगू और चिकनगुनिया के लिए ये रामबाण औषधि है। प्लेटलेट बढ़ाने के लिए गिलोय के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं। गिलोय के साथ साथ थोड़ा हेल्प करता है एलोवेरा, वीटा ग्रास, पपीते के पत्तों का रस, वो भी हम पिलाते हैं जब किसी को डेंगू हो जाता है और जीवन खतरे में पड़ जाता है। यद्यपि ठंड में हमारे हाथ भी ऐसे ठंडे तो काफ़ी हो ही जाते, लेकिन मेरे हाथों में कभी कोई तकलीफ नहीं आती। थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे इतने ठंडे हो चुके हैं हाथ की, मैं इसको हाथों से भी पकड़ूंगा तो पतीला ज़्यादा गर्म नहीं लग रहा है। और ये गिलोय के काढ़े को मैंने पहले उसको इमाम दस्ते में कूट लेते हैं, फिर उसको ऐसे उबाल लेते हैं। करीब ये इतनी गिलोय, ये जिसको ज़्यादा तकलीफ है शरीर में, माने जिनको भयंकर अर्थराइटिस है, जिनको बार बार सर्दी जुकाम होता है, जिनको ठंड बहुत अधिक लगती है, जिनको डेंगू चिकनगुनिया आदि की समस्याएं हैं, उनके लिए तो ये इतना पूरा पी सकते हैं। बाकी जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो इसे आधा भी पी सकते हैं। इसमें आप थोड़ा शहद मिला सकते हैं, थोड़ा कड़वा होता है तो आप शहद मिला करके भी पी सकते हैं, और आप बिना शहद के पिए तो बहुत अच्छी बात है। और डायबिटीज़ के लिए भी रामबाण है, मोटापा के लिए भी अद्भुत है। इसके पूरे बेनिफिट्स आपको बताते हैं, लेकिन कोई शहद मिला करके भी पीना चाहे तो इसको पी सकता है। गिलोय को संस्कृत में अमृता कहा जाता है। अमृता माने न मरने वाली और न मरने देने वाली। संस्कृत में तो शब्दों का जो अर्थ होता है बड़ा गहरा होता है, क्योंकि मैंने तो व्याकरण शास्त्र पढ़ा है। तो मृग प्राण त्यागे धातु से अमृता शब्द बनता है, जो मरने ना दे। ये खुद भी नहीं मरती है। ये जो गिलोय है इसको हम इस इमाम दस्ते में कूटते हैं, इसको डाल लेते हैं और ऐसे फिर जो है आप लोगों ने देखा होगा पहले घरों में सब जगह हुआ करता था। तो इसको इमाम दस्ते में कूटने से ज़्यादा अच्छे से इसकी पिटाई हो जाती है। जिनको ये सुविधा उपलब्ध ना हो तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सिंग में भी इसको कूट सकते हैं। मैं कह रहा था एक व्यक्ति के लिए लगभग इतनी गिलोय पर्याप्त है, लेकिन जिनको ज़्यादा समस्या है, भयंकर अर्थराइटिस है, बहुत ज़्यादा मोटापा है, इम्यूनिटी बहुत कम है, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है और स्वाइन फ्लू डेंगू चिकनगुनिया के लिए तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। कितना ही क्रोनिक अस्थमा है वो सब इससे ठीक होता है। तो उस समय आप ऐसे ये दो डंडी भी प्रयोग कर सकते हैं, और पूरा सुबह शाम प्रयोग करना हो तो इतनी गिलोय पूरी की पूरी भी यूज़ कर सकते हैं आप। ताज़ी गिलोय सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। मैं कह रहा था आप जो है जिस तरह से कूटने के बाद इसकी ये स्थिति हो जाती है जो हमने आपको दिखाई थी, ऐसे ऐसे पीट लेते हैं इसको। जिनको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाना हो तो इसको पीट करके रात को भिगो दें और फिर सुबह
अभी तो जो है इसको पका ही रहे थे, तो ये इसका और भी आधा कर सकते हैं उबालते उबालते आप, इतना आप रख करके और इसको ऐसे पी सकते हैं, काफ़ी गर्म है अभी। और ये तो बताया मैंने, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको रेमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिनका इम्यूनिटी जिनकी बहुत कमज़ोर है उनके लिए। अब इसमें जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति वो पीना चाहता है तो थोड़ा कड़वा लगता है, तो आप इसमें एक चम्मच शहद मिला सकते हैं। ये पतंजलि हनी है, हमने इसके ऊपर लिखा हुआ है क्रिस्टलाइजेशन जमना शहद का स्वाभाविक गुण है, ये हमने इसके ऊपर हिंदी और अंग्रेजी में लिखा हुआ है। और इसका उद्देश्य यही है कि कुछ लोग समझते हैं कि अरे ये शहद का तो क्रिस्टलाइजेशन हो गया, ये तो कोई नकली शहद तो नहीं है। तो अभी इतनी ठंड में भी यद्यपि ये जमा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है, कुछ लोग तो फ्रिज आदि में रख देते हैं। तो आप ऐसे एक चम्मच आप शहद इसके अंदर मिला सकते हैं, और एक चम्मच शहद मिला करके जब आप इसको पियेंगे तो थोड़ी कड़वाहट थोड़ी कम हो जाएगी। ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनको डायबिटीज़ आदि नहीं है और गिलोय पीना चाहते हैं इम्यूनिटी के लिए, ठंड के लिए। मैं इसके कुछ लाइव एग्जांपल्स भी आपको दूंगा कि जिन लोगों के ऊपर मैंने ये गिलोय का प्रयोग किया, जिनको भयंकर ठंड लगा करती थी, माने पांच पांच कपड़े जिनको पहनने पड़ते थे ठंड में, उन्होंने गिलोय का प्रयोग किया तो मात्र थोड़ा सा हल्का सा गर्म कपड़े से उनका गुजारा हो जाता है। इस गिलोय के बारे में ऐसे तो बहुत सी बात आपको बताना चाहता हूँ। और सुबह सुबह लोग चाय पीते हैं और कई तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। मैं कहता हूँ सुबह सुबह आप सर्दियों में तो गिलोय की चाय पीजिए, गिलोय का काढ़ा पीजिए। इसको जो है आप आधा भी कर सकते थे, मैंने पूरा ग्लास पी लिया। जिनको ज़्यादा कड़वा लगता हो तो ऐसे ही इसको जितना उबालते उबालते कम कर देंगे उतना कम हो जाएगा। मेरा तो क्योंकि पीने का अभ्यास हुआ है। गिलोय के बारे में अपने कुछ बड़े अनुभव बताता हूँ। मैं काफ़ी ऐसे भाई बहनों को जानता हूँ जिनको बहुत अधिक ठंड लगा करती थी, माने सर्दी में नीचे इनर पहन रखा है, फिर उसके ऊपर जो है कुर्ता के ऊपर स्वेटर के ऊपर कोट, और कोट के ऊपर लोई या कंबल, माने करीब पांच पांच लेयर कपड़ों की हैं, फिर भी जिनको ठंड लगा करती थी गिलोय पीने से मात्र एक दो कपड़ों में उनका गुजारा हो जाता है। माने कुछ तो मेरी तरह से जब बस ऊपर नीचे एक एक कपड़ा ओढ़ लिया और बस काम हो गया। लेकिन जिन लोगों को बहुत ठंड लगा करती थी मैंने देखा, अब वो मात्र एक कुर्ता और एक थोड़ा सा स्वेटर आदि लेते हैं और उनको ठंड नहीं लगती। रात को किसी को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, मैंने देखा एक एक दो दो रजाई लोग ले लेते हैं तब भी ठंड जाती नहीं है। किसी के पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, और यहाँ तक कि जो है रात को सोते समय उनके एक एक घंटा उनको देर से नींद आती है क्योंकि पैर गर्म नहीं हो पाते। जो है मैं तो खड़ाऊ में रहता हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी भी जूते नहीं पहने, दौड़ के समय कभी एक आधी बार या कोई खेल विशेष में पहन लिया हो तो अलग बात है, वो भी एक आधे घंटे के लिए। ज़िंदगी में कभी भी जूते नहीं पहने क्योंकि पहले पहनने को मिला नहीं करते थे, और बाद में अभ्यास हमने ऐसा कर लिया कि अब आवश्यकता नहीं है। मैं लगभग 14-15 साल की उम्र से खड़ाऊ पहनता हूँ, कभी जूते का तो प्रश्न ही नहीं, जुराब भी कभी नहीं पहनी, और मेरे पैरों में ना तो कभी कोई सूजन आती है ना कभी कोई कहीं फटते हैं। नहीं तो मैंने देखा सर्दी के अंदर लोगों के हाथ पैर सूज जाते हैं, उसमें बीच बीच में लाल या काले नीले निशान पड़ जाते हैं, बहुत बुरी हालत हो जाती है। किसी के हाथों की पूरी स्किन की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, पैर की एड़ियां फट जाती हैं। आप मेरे पैर देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हैं, और इसमें कहीं फटने का तो प्रश्न ही नहीं। और इसमें
यद्यपि गिलोय आपकी मदद करती है, लेकिन कुछ दूसरी भी चीज़ें हैं यहाँ आपको बताएंगे कि क्रैक हिल क्रीम हमने बहुत अनुसंधान के बाद बनाई। एक तो कायाकल्प तेल जिसमें 21 जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो जो पहले मैं अक्सर बताया करता था, जो घर में आप कायाकल्प तेल तो सब नहीं बना सकते, उसमें तो बहुत ज़्यादा औषधियाँ होती हैं, लेकिन हमने कायाकल्प तेल, मोम, कपूर, टंकण, सुहागा ये सब मिला करके ये क्रैक हील क्रीम बनाई। अब जिनके ज़्यादा पैर फटते हैं वो इस क्रैक हील क्रीम को इस तरह से लेकर के, अभी इसका जो है ये भी आजकल जमी हुई है थोड़ी सी, ऐसी क्रीम ली और इसको जो है लगा दिया, लगा करके पैरों में इसको इस तरह से, और जिनके ज़्यादा ही पैर फटते हैं वो जो है ये क्रीम लगा करके, और फिर सूती की कॉटन की जो जुराब है मोजे वो पहन करके फिर सो जाए। लगभग 3 से 7 दिन में, थोड़ा पैर फटा हुआ है तो एक ही दिन के अंदर, अधिकतम 7 दिन, न्यूनतम 24 घंटे में आपके क्रैक्स हील हो जाते हैं। विवाई विपादी का संस्कृत में जिसको बोलते हैं, वो आपकी पूरी की पूरी 100% अच्छी हो जाती है। ये प्रयोग हम पिछले लगभग 30 सालों से लोगों से करवा रहे हैं और हमने पाया है, थोड़ा सा आपको जोक जैसा लगेगा कि जिनके पैर फट जाते थे विवाई से और खून निकलने लगता था, वो मात्र 7 दिन के अंदर डांस करने लगते हैं। ये मैं आज से आपको 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अनूप देसाई करके हमारे एक बहुत पुराने शिष्य हैं सूरत में, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के उस समय के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, एक बहुत सीनियर अधिकारी जो भी डेजिग्नेशन था उनका, वो उनके परिवार के लोग आए मेरे से कहने लगे, बाबा जी हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तो उस समय तो हम ये क्रैक हील क्रीम नहीं बनाते थे, तो हमने उनको कहा आप देसी मोम लीजिए, कपूर, और जो है सरसों के तेल में डाल करके पका करके और ये बना करके लगा लीजिए। उसने लगाई, 7 दिन के अंदर तो बोले, बाबा जी हम तो अभी डांस करते हैं, डांडिया करते हैं, हमारे पैरों में अब कोई तकलीफ़ नहीं होती, नहीं तो पैरों में से खून निकलता था। ये तो मैं आपको 25-30 साल पुरानी बात इसलिए बता रहा हूँ कि फिर हमने इसका एक फार्मूलेशन तैयार किया, और ये क्रैक हील क्रीम मैं आपको जो है पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि मैं कोई ये विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, लोगों की जो तकलीफ़ है, लोगों का जो कष्ट है उसको दूर करने के लिए हमने बनाया, नहीं तो इन चीज़ों के लोग कितने महंगे महंगे बना करके, हमारी तो इनकी जो कीमत ही है वो 50 रुपये है, कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं, तो लोग इनको 500 रुपये की बेच सकते थे यदि इसको कॉमर्शियल एंगल से देखते। तो क्रैक हील क्रीम उनके लिए जिनके पैर फट जाते हैं बहुत ज़्यादा, जिनको कष्ट होता है, खून निकल आता है, उनके लिए मैंने बताई, और ये बहुत प्रभावशाली है। अब मैं आगे की भी और कुछ चीज़ें बताता हूँ, फिर वापस मैं सर्दी ज़ुकाम पर भी आऊँगा। तो सर्दी ज़ुकाम, काफ, एलर्जी, कोल्ड, सर्दी लगना, उसके लिए मैंने आंतरिक रूप से तो गिलोय सबसे अधिक प्रभावी है, वैसे इसके लिए शिलाजीत भी बहुत उत्तम होती है। शिलाजीत हम 3 शेप में देते हैं, एक तो लिक्विड जो कि आप जो है एक चने के बराबर दूध में मिला करके पी सकते हैं, एक कैप्सूल है और एक गोली है शिलाजीत रसायन, आप तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत कमज़ोरी है तो आप अश्वशिला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठंड के लिए खाने वाली चीज़ों में शिलाजीत बहुत अच्छी है, दूध में आप केसर डाल करके पीते हैं तो केसर भी जो है बहुत अच्छा होता है, और मैं तो कहता हूँ केसर थोड़ा सा महंगा होता है, यद्यपि पतंजलि का केसर कश्मीरी केसर है और सस्ता है, 100% प्योर है, स्वदेशी है, ईरानी केसर से ज़्यादा गुणकारी होता है हमारा कश्मीरी केसर। और कश्मीरी केसर के साथ साथ आप बादाम पाक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बादाम पाक है, बादाम पाक आप जो है 1 से 2 चम्मच, पहले हमारे यहाँ लड्डू आदि बनाते थे सर्दी के अंदर, गोंद के लड्डू हमने भी खाए, अलग अलग जगह अलग अलग तरह की चीज़ें बताते हैं, वैसे आपको भी हमने कुछ इस बार बना करके दिया है,
उसके बारे में भी आपको पूरा बताएंगे। अभी आपको थोड़ा, अब जैसे बादाम पाक है, ये शक्ति के लिए और गर्मी को अंदर से पैदा करे, शरीर के अंदरूनी ताकत के लिए बादाम पाक, जिसके अंदर बादाम के साथ साथ जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई सारी औषधियाँ हैं वो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, पूरे इंग्रेडिएंट्स इसके लिखे हुए हैं। इसके अंदर सारी शक्तिवर्धक औषधियाँ हैं और इससे सर्दी भी दूर भागती है, ऊर्जा भी मिलती है। बस जैसे राजस्थान में चूरमा होता है उस तरह का हमने इसको शेप दिया, इसको इस तरह से पाक, क्योंकि पाक के कई तरीके होते हैं, एक तो ऑवले टाइप होता है, एक हमने इसको ऐसा चूरमा टाइप जो है इसको स्वरूप दिया। और आप इसको ऐसे आप खा सकते हैं, जो दूध के साथ लेना चाहें तो दूध के साथ ले सकते हैं, जो दूध नहीं पीते हैं तो ऐसे अकेला इसको खा सकते हैं। वैसे भी अभी मैंने आज प्रातराश नहीं किया था तो प्रातराश हो जाएगा, इतना बादाम पाक आप खा सकते हैं 2-3 चम्मच। बादाम पाक के साथ साथ आप च्यवनप्राश ले सकते हैं। च्यवनप्राश के नाम पर इतनी ज़्यादा देश में लूट मची हुई है, लोग 500-500 रुपये किलो का च्यवनप्राश बेच रहे हैं, कुछ तो इससे भी महंगा। मैं आपको ये जो है पतंजलि के च्यवनप्राश के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने एक तो इसका जो पाक है वो थोड़ा सा अलग ढंग का रखा है। पतंजलि का च्यवनप्राश आप देखेंगे तो थोड़ा उसमें वो क्रिस्टल्स मिलेंगे जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, नहीं तो बाकी का जो च्यवनप्राश है ऐसे लिसलिसा मिलेगा, ऐसे उठाओ तो पूरा डब्बा उठ करके आ जाए। ये ऐसा है च्यवनप्राश जिसको हमने एक तरह से दानेदार बनाया है, तो ये पाक की विधि है। मैं आपको ये खास बात ये भी कहना चाहता हूँ कि ये विधि हमने जो है गुरुकुल में पढ़ते समय आज से 35 साल पहले सीखी थी, और उस समय एक बलराम वैद्य जी हुआ करते थे, उन्होंने मुझे सिखाया था कि ये इस तरह का च्यवनप्राश कैसे बनता है। माफ़ करना, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, इस तरह का पाक न तो डाबर वालों को बनाना आता है न झंडू वालों को बनाना आता है, क्योंकि वो गुरु शिष्य परंपरा से उन लोगों ने सीखा ही नहीं। अब व्यापारी लोग हैं, बना रहे हैं, ठीक है, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो पाक विद्या भी है और इसके साथ में रस रसायन की विद्या है, पूरे आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का ज्ञान है, ये ऋषि मुनियों से महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी और उसके बाद एक हजारों लाखों करोड़ों वर्षों की ये हमारी परंपरा, और इसमें गुरु शिष्य परंपरा से औषधियों के निर्माण से लेकर के, और अब इसमें जैसे हमने ये 51 जड़ी बूटियों से बनाया, ये सारी जड़ी बूटियाँ हमने इसके ऊपर लिखी हुई हैं, कोई भी पढ़ सकता है इनको पूरा। तो 10 मूल है, फिर इसमें अश्वगंधा भी है, शतावर भी है, विदारी कंद है, वराही कंद है, रिद्धि वृद्धि, काकुली क्षीर, काकुली मेधा, महामेधा, सारी जो अष्टवर्ग की औषधियाँ हैं, जीवक, ऋषभक, कृष्णपर्णी, मांसपर्णी, मुद्गपर्णी और जो है गंभारी, सारे अलग अलग प्रकार की सारी औषधियाँ, फिर इसमें पिपली, दालचीनी, वंशलोचन, इलायची, सारी जो इसकी औषधियाँ मैंने कई बार आपको उसके बारे में बताया भी है कि जो इसकी पूरी औषधियाँ हैं उनको दिखाया भी है, फिर भी बता देंगे, लेकिन आज तो हम संक्षेप से थोड़ा बता रहे हैं आपको कि ये जो च्यवनप्राश है इसमें कश्मीरी केसर का प्रयोग हमने किया, 51 जड़ी बूटियों का प्रयोग हमने किया, और जिस तरह से हमारे ऋषियों ने च्यवनप्राश बनाने की विधि बताई है, जिससे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, माने हमारी अष्ट धातु जिससे पुष्ट होती हैं, माने पूरे शरीर के पोषण के लिए है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। अब इतनी भयंकर ठंड हो रही है, थोड़ी सी चीज़ मैंने कुछ खा ली है, ग्लो भी पी लिया है, तो अब मुझे यही नहीं पता लग रहा है, इतने भयंकर कोहरे में, जो मैंने आपको चित्र भी यहाँ पर दिखाया कि किस तरह से कोहरे का कोहराम हरिद्वार से लेकर के हर द्वार तक दस्तक दे रहा है और चारों तरफ लोग ठंड से परेशान हैं, तो उससे बचने का एक ये भी उपाय है,
आप च्यवनप्राश ऐसे भी अकेला भी खा सकते हैं, कुछ लोग दूध के साथ खाते हैं, आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। जैसे विदेशों में लोग ब्रेड के ऊपर शहद लगा के खाते हैं, ऐसे कुछ लोग ब्रेड के साथ भी खाते हैं, कुछ लोग रोटी के साथ खाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही बस मुंह में ले लिया और इसको धीरे धीरे आप अंदर जाने दीजिए। जिनको कफ है, कोल्ड है, अस्थमा है, बहुत कमज़ोरी है शरीर में, वैसे मुंह में ले लिया और 5-10 मिनट में धीरे धीरे अपने आप अंदर चला जाएगा। ये मैंने आपको थोड़ा प्रिकॉशन बताया ठंड के लिए।